एक अमीर बूढ़ी औरत अपने सुंदर और बड़े घर में अकेली रहती थी। बुढ़ापे के कारण उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। एक दिन उसने अपने घर डॉक्टर को बुलाया और अपनी आंखों के इलाज के लिए अनुरोध किया। डॉक्टर, आप तो जानते हैं कि मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ आप मेरी आंखों का इलाज करें। मैं फिर से अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। डॉक्टर उस बूढ़ी औरत का इलाज करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बदले में उसने इनाम की मांग रखी। आपकी आंखों का इलाज तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ इनाम भी चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर डॉक्टर इलाज अच्छे से कर देता है तो वो उसको इनाम जरूर देगी। हाँ क्यों नहीं, अगर आपने मेरी आंखों का इलाज अच्छे से कर दिया तो मैं आपको जरूर इनाम दूंगी। लेकिन अगर इलाज सफल नहीं हुआ तो कोई इनाम नहीं मिलेगा। डॉक्टर इस बात से मान गया और उस बूढ़ी औरत के घर में ही इलाज शुरू कर दिया। ठीक है, मैं आपका इलाज शुरू करता हूँ। डॉक्टर रोज उस बूढ़ी औरत के घर आता और इलाज करता। यह सिलसिला रोज चलने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, डॉक्टर अमीर बूढ़ी औरत के सुंदर घर को देखने के लिए ललचाता गया और उनके घर से कीमती सामान चोरी करना शुरू कर दिया। जल्द ही घर पूरा खाली हो गया और बेचारी बूढ़ी औरत इस सब से अनजान थी। कुछ ही दिनों में इलाज पूरा हो गया और सौभाग्य से बूढ़ी औरत ने अपनी आंखों की रोशनी वापस पा ली। अरे मैं तो सब देख पा रही हूँ डॉक्टर, मेरी आंखें ठीक हो गई। जैसे ही उसने अपनी नजर घर पर दौड़ाई, उसने पूरे घर को खाली पाया। वो डॉक्टर के इस चाल को समझ गई। जब डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए इनाम और फीस की मांग की तो बूढ़ी औरत ने उसे पैसा और इनाम देने से इनकार कर दिया। माताजी, अब तो आपकी आंखें ठीक हो गई है तो मुझे मेरी फीस और इनाम दीजिए। तुम्हें कुछ इनाम या फीस नहीं मिलेगी। इस बात से डॉक्टर बहुत नाराज हो गया। ये क्या बोल रही हो माताजी आप? आपको मुझे इनाम और फीस देनी ही पड़ेगी। मैंने कहा ना, तुमको कोई फीस या इनाम नहीं मिलेगा। डॉक्टर उस बूढ़ी महिला को राजा के पास ले गया। डॉक्टर ने राजा से शिकायत की। क्या ये डॉक्टर सच कह रहा है? महिला ने राजा से कहा। हे भगवान, मैंने डॉक्टर से वादा किया था कि अगर मैं पहले के जैसा अपनी आंखों से देख सकूं, तो जरूर पैसा दूंगी। लेकिन अब मैं अपने घर में कोई बर्तन या फर्नीचर नहीं देख सकती, तो महाराज डॉक्टर कैसे कह सकता है कि मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ? राजा को सब बात समझ आ गई और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बूढ़ी औरत को छोड़ा जाए और डॉक्टर को सजा दी जाए। चालाक डॉक्टर ने बूढ़ी महिला के अंधेपन का फायदा उठाया, लेकिन महिला ने उसे अपनी बुद्धि से सबक सिखाया। कहानी प्रसिद्ध कहावत को साबित करती है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।